एक मुअम्मा है, एक मुअम्मा है, समझने कन समझाने का। एक मुअम्मा है, समझने कन समझाने का। जिंदगी काहे को है, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। एक मुअम्मा है, समझने कन समझाने का। और सुनिए मोहतरमा, फरमाते हैं क्या, हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। क्या बात कही, हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। हूँ तुम्हें हाय, हूँ तुम्हें, हूँ तुम्हें शम्मा, मगर बेस है परवाने का। हूँ तुम्हें शम्मा, मगर बेस है परवाने का। ए परवाना साहब, यहाँ कहाँ लुढ़क गए? जाने शराबियों को क्या मजा आता है पीने में। एक एक हमारा सवाल है आपसे, अगर आपने पी नहीं सेठ जी, तो आपको क्या मजा आता जीने में? हमारे बाप दादा ने पाप से कमाई हुई दौलत नहीं छोड़ी है तुम्हारी तरह उड़ाने के लिए। सुनिए तो सुनिए साहिबान, आज हम आपको वो बात बताते हैं जो आपके बाप दादा ने भी आपको नहीं बताई होगी। दुनिया में हर बड़ी दौलत के पीछे एक बहुत बड़ा पाप होता है। दौलत ऐसी नहीं जमा होती सेठ जी। ओ मिस्टर शराबी, आपने हमें याद किया। क्यों सबसे उड़ते हो, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। वहीं बैठेंगे साहिब, अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे तो क्या आपकी गोद में बैठेंगे। मिस, मिस, प्लीज इस आदमी को जरा संभालो। प्लीज मिस, ये इंग्लिश भाषा भी क्या भाषा है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए उसे मिस कहते हैं। चलिए प्लीज अपनी जगह पर बैठिए। जगह? कौन सी जगह? क्या आप हमें बता सकती हैं इतनी बड़ी दुनिया में हमारी जगह कहाँ है? बताती हूँ, ये है आपकी जगह। ये? जी हाँ। हम भूल गए थे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रही हैं जो हम देख रहे हैं, एक नन्ही कली जो फूल नहीं बनी अभी मौत पर हंस रही है, और वो देखिए फल जो पक चुका है, सड़ चुका है, गिरने के डर से किस तरह कांप कांप रहा है। आप अपनी पेटी बांध लीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गई। अगर तुम्हारे जहाज को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता। किशन, ये लो तुम्हारे लिए स्वीट। देखा देखा, ये मेरी बात सुनती है कभी? सुन के भी क्या करेगी, तुम तो वो बात कर रही हो जो बात हुई नहीं। तुम तो हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करोगे। लक्ष्मी, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी। इसकी क्या जरूरत थी तुझे? जरूरत थी नहीं, पड़ेगी जब तेरे हाथ पीले किए जाएंगे और इस घर के बाहर शहनाई बजेगी। हटो दीदी। देख लिया, बहन भाइयों के लिए सब कुछ आ गया। भाभी यहाँ गोरी की गोरी खड़ी है। मैं पराए घर से आई हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ भाभी। हाय सर, माय प्रेजेंट। हाय हाय, नहीं लाई तो बस अपने बड़े ब्रदर के लिए कुछ नहीं लाई, नथिंग। मैंने लंदन की रेस बुक मांगी थी, अंग्रेजी घोड़े के बाप का नाम, बाप की माँ का नाम, माँ के बाप का नाम, भाई बहन यानी पूरा खानदान वगैरह वगैरह वगैरह। घोड़ों के खानदान की बड़ी फिक्र है, मगर अपने परिवार का कुछ ख्याल नहीं।
छोटी बहन बेचारी बाहर काम करती है और ये बड़ा भाई घर में बैठा बहन की कमाई खाता है। ओ, ओ, मेरी रेस आपको बहुत चुभती है जज, लेकिन उस दिन पता चलेगा जिस दिन राजेंद्र किशन की तरह जैकपॉट निकलेगा मेरा। 49 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री, इन दीवारों पे सोने के वर्क लगा दूंगा और डैडी आपके लिए चांदी की बैसाखियां खरीद लाऊंगा। ये लो मां मेरे इस महीने की तनख्वाह, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसे। क्यों? मुझे तुम्हारी तनख्वाह नहीं जिंदगी चाहिए, ये रोज रोज का मरना मुझे मंजूर नहीं। तुम आज ही छोड़ दो ये नौकरी। अच्छी बात है मां, मैं जल्दी से जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। अब तो लो। मालिक आप खड़े हो जाइए। क्यों? एक बार उठिए ना मालिक। तुम ये देखना चाहते हो पूरन काका कि हमने कितनी शराब पी है, क्या हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं मालिक, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात? ये फूल ये हार किस लिए है पूरन काका? सालगिरह मुबारक हो मालिक। साल आज के दिन हम पैदा हुए थे? हाँ वाली, अरे हम तो भूल ही गए। पूरन काका हम नहीं जानते हम इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे लिए पैदा हुए हो। पूरन काका जी, जरा दो कदम पीछे हटना। क्यों मलिक? दो कदम पीछे हटो। पूरन काका हम आशीर्वाद देना चाहते हैं तुम्हारे पांव को छूकर। मलिक भगवान करे आप 100 साल जिए। 100 साल भी क्या, आप 1000 साल जिए। जिएंगे तुम्हारे प्यार के सहारे जिएंगे, लेकिन एक शर्त पर, 1000 साल तुम्हें भी जीना पड़ेगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज के इस बार में मैंने आपका इश्तेहार देखा, आपको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है? बहुत जरूरत है, लेकिन क्या बताऊं, नौकरी एक है और लड़कियां कितनी आ रही हैं, चुनना बहुत मुश्किल है। शादी तो नहीं हुई? जी? अब मेरा मतलब ये है कि शादी के बाद लड़की नौकरी के काबिल नहीं रहती है, आधी वो दफ्तर में रहती है आधी घर में, और मुझे आधी आधी चीज पसंद नहीं। जी मेरी शादी नहीं हुई है। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन देखो आज मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, शाम को आ जाओ। ठीक है। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। रंगीला दिन बीता रंगीली रात आई, रंगीला दिन बीता रंगीली रात आई। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। तू किस कदर खूबसूरत है गीता,
कर खूबसूरत है सीता, रीता तू भी कुछ कम नहीं, नीता तुझ में दम नहीं, ए रीता तू भी कुछ कम नहीं, नीता तुझ में दम नहीं, आंखों पे कैसी ये मस्ती सी छाई छाई छाई, हाय बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। ये इश्क है जिंदगी का बहाना, जीना लगा मेरा फूलों में, मैं न सोया कभी झूलों में, जीना लगा मेरा फूलों में, मैं न सोया कभी झूलों में, जुल्फों के साए में ही नींद आई आई आई, बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, bye bye miss good night, kal phir milenge। Bye bye miss good night, kal phir milenge, bye bye miss good night, kal phir milenge, rangila din beeta, rangili raat aayi, rangila din beeta, rangili raat aayi, bye bye miss good night, kal phir milenge, bye bye miss good night, kal phir milenge। छोटे सरकार, हाँ। गाड़ी रेडी है। पूरन काका वो गाड़ी रेडी है, मगर ये गाड़ी स्टेडी नहीं है। मगर इन सब का क्या करूं जो यहाँ लुड़की पड़ी है। पूरन काका, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी मंगवा और इन्हें ला के घर छोड़ दो। अब इस नौकरी की खास बात है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं होगी, अगर तुम चाहो तो दिन दुगनी और रात चौगुनी कमाई कर सकती हो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस शहर के छोटे से छोटे अमीर से लेकर के आनंद नगर के मालिक तक को हम जानते हैं। हम तुम्हें उन सबसे मिलवा देंगे। आओ यहाँ बैठो। क्या कह रहे हैं आप? अगर इस तरह शर्माओगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। कम ऑन बेबी, यू आर ए मॉडर्न गर्ल, स्पोर्टिंग। कमरे के अंदर ये शोर कैसे हो रहा? शोर नहीं था, रेडियो पे ड्रामा हो रहा है। Thank you.
हाँ कहे तो उसे छोड़ना नहीं, कोई ना कहे तो उसे छूना नहीं, चाहे वो बाजार की गुड़िया क्यों ना हो, अंडरस्टैंड? ये हमारा असूल है। वो अपने आप को ठांप लो। अगर अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जहां भी तुम जाना चाहो कमल। सरकार, बाहर आपसे कोई मिलने आया। कौन है? एक मेम साहब है। नई या पुरानी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर तो देखना पड़ेगा। भेजो। जाइए, मेम साहब आपको बुलाया है, जाइए। वाह, आज आसमान से उतर के जमीन पे कैसे आ गई? बस आना पड़ा। जिनके पंख टूट जाते हैं वो कब तक रह सकते हैं आसमान? हमें मालूम था तुम जरूर आओगी। एक बार जो लड़की हमें मिल लेती है वो जिंदगी भर साए की तरफ पीछा करती है। लेकिन मैं आपका पीछा करने नहीं आई, आपका एक वोट और ये पैसे वापस करने आई। आप हंस रहे हैं? हंस तो रहे, मगर तुम पर नहीं, अपने आप पर। हमने सैकड़ों लड़कियों को अपने हाथों से पैसे दिए, लेकिन एक लड़की पहली बार हमें पैसे दे रही है। याद मिले? आपको याद नहीं कल रात होटल में जहां आपने मेरी इज्जत बचाई? हमने इज्जत बचाई? ये नेक काम हमने जरूर बेहोशी में किया होगा। अब तक तो लोग कहते थे दुनिया में कुछ भी करना इससे बच के रहना, लेकिन तुम होटल में क्या कर रही थी? मैं नौकरी ढूंढने गई थी। नौकरी? तुम्हारी वो एरोप्लेन वाली नौकरी का क्या हुआ? वो मैंने छोड़ दी, मेरी माँ को पसंद नहीं। मैं जा सकती हूँ? जा। ए, सुनाओ, तुम नौकरी करोगी? कहाँ? हमारे यहाँ काम कम और तनख्वाह ज्यादा। क्यों, क्या ख्याल है? जी, मुझे तनख्वाह काम से ज्यादा नहीं चाहिए। काम क्या करना होगा? हमारी देखभाल, तुम्हारा एक ही काम होगा, हमें बचाना दूसरों से और दूसरों से भी बढ़कर हमें अपने आप से। मुझे अपना खानदान जो बचाना है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो हम पर छोड़ दो। जहाँ हमारी जागीर पे हजारों खानदान पल रहे हैं वहाँ एक और से। जी नहीं, मेरा खानदान मेरी तनख्वाह पर पलेगा, आपकी जागीर पर नहीं। That's nice. I like it. I like it. हमें तुम्हारी बात पसंद आई। कल से तुम काम पर आ जाओ। जी, बहुत अच्छा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं, वो भी खुलकर कह देते हैं। हम रईस हैं, जागीरदार हैं, शराबी हैं, और हमारे जो दूसरे शौक हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ। लोगों की नजर में हम बहुत गिरे हुए आदमी हैं।
मेरी नजर में दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो गिर के उठ ना सके। अधिकार अहंकार और अभिमान की हद शुरू होती है। ये तो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन। लेकिन इंसान को आखिर में कितनी जमीन चाहिए? 6 फुट बाई 3 फुट। ये है हमारे पिता राजा उदय सिंह, आनंद नगर के जागीरदार, इस तमाम इलाके के बेताज बादशाह। हेलो करण। नमस्कार भैया। इस तरह अचानक धावा कैसे बोल दिया? फिर रुपए की जरूरत आन पड़ी है क्या? जी नहीं, आपसे कुछ सीखने की जरूरत आ पड़ी है। हमसे क्या सीखोगे तुम? मसलन बात करने का तरीका, क्या फूल झड़ते आपकी जुबान से जब आप मुँह खोलते? नॉनसेंस, तुम वैसे के वैसे ही बदतमीज रहे। ये हमारे बड़े भाई साहब। छोटे सरकार, आप अंदर जा सकते हैं। रानी साहिबा ने आपको हाजिर होने की इजाजत दे दी है। हम अभी हाजिर हुए। सोच रही हो? रानी साहिबा हमारी माँ है। रानियों से उनके बेटे मिला नहीं करते, उनके सामने हाजिर हुआ करते हैं। ये तो रिवाज है बड़े घरों का, माँ से मिलने के लिए औलाद को भी इजाजतनामा लेना पड़ता है। नमस्कार रानी माँ जी। तुम हमें सिर्फ माँ नहीं कह सकते? रानी माँ जी कहने से माँ कितनी दूर हो जाती है अपने बेटे से। ये दूरियां हमने तो पैदा नहीं की हैं। बचपन में दिल पर जो मोहरें लगाई जाती हैं उनके निशान बरसों कायम रहते हैं। तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा? जी उस वक्त तक तो नहीं छूटेगा जब तक बड़े मौजूद हैं इनके नाज उठाने के लिए। देखा रानी माँ जी, भाभी साहिबा किस तरह आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही हैं। तुम्हारी बेलगामी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें न बड़े का लिहाज है न छोटे का। अगर आदमी सिर्फ उम्र से ही बड़ा होता भाभी साहिबा, तो दुनिया का हर पत्थर पूजा के काबिल होना चाहिए। पार्वती, इनके रहने का अच्छा से इंतजाम कर दो, अब यही रहेंगी। रानी साहिबा आइए। करण, ये लड़की कौन है? हम बताना भूल गए, ये लता हमारी सेक्रेटरी है। तुम्हें सेक्रेटरी की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। वैसे तो सब मौजूद है इस महल में। हमारे बड़े भैया हैं, हमारी भाभी साहिबा हैं, हमारी रानी माँ जी, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले काम को संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। गलत, हम आपके कौन है? अंकल। That's it. अंकल, हम आपसे एक बात पूछें। हाँ पूछो। अंकल, सुना है आप शहर से एक लड़की लाए हैं, सब कहते हैं वो बहुत गंदी है। सब कौन? मम्मी और डैडी दोनों। बेटा, जो खुद अच्छे होते हैं ना, वो ना दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं। आप खुद जाके देख लीजिए वो अच्छी है या बुरी। हम अभी जाते हैं। सकते, तू जमीन पे क्या कर रहा है? तहत राम मालिक को सलाम कर रहा है और मुबारकबाद दे रही है। मुबारकबाद किस बात की? आए हाय, हुजूर ने जैसे ही महल में कदम रखा कि आसमान से एक सितारा टूट पड़ा मालिक के कदमों में बिछने के लिए। उसका तो नाम दे सितारा है मालिक, आपकी रात जगमगा उठेगी। तो सकते, ये ले तेरा इनाम। अरे मालिक, रहने दीजिए, ऐसी भी क्या।
ले लो, नहीं तो ये भी बाद में नहीं मिलेगा। हुजूर। रात की कीमत रात की बात। हाय हाय मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे खुदा, मेरे आका, आदाब आदाब आदाब। क्या
हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हूँ और उनकी आदतें। उनकी आदतें बुरी सही मगर वो दिल के बुरे नहीं है। नहीं होंगी, लेकिन मैं तो अपना सोच रही हूँ, मैं यहाँ कितने दिन नौकरी कर सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटी, तुम्हारे आने से तो मुझे उम्मीद हो गई है। एक औरत मर्द को बिगाड़ सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है। ए बट्टे रूम, रानी साहिबा, कल तुमरे खाने की बहुत तारीफ करी है। अरे वार्ड रानी साहिबा, हम क्वीन विक्टोरिया को करेले का पुडिंग खिलाया था, उसने हमको ये इनाम दिया है। तुमको बनता? हम अभी तुमको लगाएंगे। अरे अरे शर्मा मत, शर्मा मत, हम आते तो तुमको नहीं तकलीफ नहीं होगी। क्या कर रही है तू? ये खाना पकाने की नौकरी कर रही है कि मेडल लगाने की नौकरी कर रही है? ए तख्ते, तुम कहाँ बीच में आके टपक पड़ा? अरे मैं बीच में नहीं आता तो पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता। आज क्या हो जाता? हम तो बिजली को एक लगाता था मेडल। अरे तुम कितनी लड़कियों को आज तक मेडल लगाया है? अरे हम बहुत तुमको क्या करने का है? हम किसको लगाया नहीं लगाया, हमको सैकड़ों रानी महारानी विक्टोरिया ने हमको मेडल लगाया है। हम एक मेडल बिजली को लगाने मंगता। बुढ़ा तुम्हारा उम्र है मेडल लगाने का? बुढ़ा तुम्हारा बाप, मारा बाप तो गाली मत देना तुम बंकू गाय बुढ़ा हो। छोटे सरकार ने हुक्म भेजा है उनको मुर्गी का पुलाव चाहिए, रान का शोरबा चाहिए और कमल के पत्ते में लिपटे हुए बोटी कबाब। गुड, कमल मुर्गी रान बोटी कबाब ठीक है, लेकिन कमल का पत्ता किधर से लाया जाए? देखो बगीचे में तालाब है, तालाब में कमल, बस जाकर तालाब में कूद पड़ो। बिजली जाओ ओ मच्छी को तलो और इस तख्ते के साथ बात मत करो, हम अभी आता है। और सुनो बिजली, रास्ता इधर है, बाहर बाहर बाहर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाय हाय, ऐसा लग रहा जैसे मछली की जगह मुझे डाल दिया कढ़ाई में तूने। जाओ तुम हमें संग बात मत करो, बटलर नाराज हो जाएगा। अरे बटलर क्या नाराज होगा, वो तो तालाब में गोते लगा रहा होगा, मैंने जानबूझकर उसे तालाब में भिजवा दिया। अरे अब तू इसको बंद कर और मेरे पास आ जा। देख देख देख, अगर तू उसके साथ रसोई घर में काम करती रहेगी तो इस धुएं की तरह काली हो जाएगी मेरी रानी, और अगर मेरे साथ रहेगी ना तो चांदी की तरह चमका के रखूंगा तुझे, महारानी की तरह रहेगी। देख बिस्तर में चाय पीना है, अरे बिस्तर में ही नाश्ता करना, और बिस्तर में ही खाना खाना। अच्छा? और बिस्तर में ही बटलर हो गया। बिस्तर में बटलर कहाँ से आ गया? किधर बिस्तर, किधर है बटलर, किधर खड़ा है? ए, तुम हमको पत्ता लाने को भेजता और तुम ये बिजली के साथ सच्चे निकल जा रहे। बिजली मेरी बात को याद रखी हो, जाता है ले, ये ले खा ले। क्या यार इतनी बड़ी टोली क्यों आई? बोलो बोलो बात क्या है, बड़े सरकार से बोलो। बात तो कोई नहीं, बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पांव की गुलामी करते हैं। महंगाई के जमाने में जिस तरह चीजों के दाम बढ़े हैं मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? आपके पास वाली जिम्मेदारी में जो हल चलाता है उसको 3 रुपए मिलते हैं, जो सड़क फूटता है उसको 4, जो कारखाने में काम करता है उसको 5, मगर हम आज तक 2 ही रुपए में काम कर रहे हैं। तो तुम लोग हमें धमकाने आए हो? तुम भी चले जाओगे कारखाने में? हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है, हम तो सिर्फ आपसे अर्ज करने आए हैं, आप दया कीजिए और हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए। अब तुम लोग जाओ, बड़े सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बढ़ाएंगे हम, जमीन हमारी है, कुएं हमारे हैं, हल हमारे हैं, बैल हमारे हैं, तुम लोगों का क्या है इसमें? जरा सा हाथी चलाते हो ना? सच कहा आपने, हम जरा सा हाथी चलाते हैं, ये छाले हमने शौक से उगाए हैं जैसे आप बगीचों में फूल उगाते हैं। यू रस्कल, कान खोल कर सुन लो, पैसे तुम लोगों को उतने ही मिलेंगे जितने मिलते थे, आगे तुम्हारा अपना फैसला। फैसला तुम मालिक आपने खुद ही लिख दिया है यहाँ,
हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे। बेशक हमें भूखा मरना पड़े अपने घरों में। कल तुम्हारे घर कहाँ हो? हम बड़े मालिक से मिलना चाहते हैं। उसे अब भी मालिक कहते हो तुम? उसे कातिल कहो, कातिल। ठहराओ, उस आदमी को अंदर आने दो। ठीक है, तुम सब लोग यहीं ठहरो। मैं अकेला अंदर जाकर तुम सब की चीखों से इस महल की दीवारें हिला सकता हूँ। एक बार फिर से कहना कि हम मालिक नहीं, कातिल। एक बार तो क्या, हजार बार कहूंगा, कातिल कातिल कातिल। बाप दादा कितने बहादुर थे और बेटा कितना कायर, जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर जला सकता है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। सरकार, जो बाहर खड़े हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर हमारे भूखे कुत्ते दौड़ा दो। पहले भूखे इंसानों पर कुत्ते दौड़ाए, अब उन पर बंदूकें तानी जा रही। तुम इन्हें इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी दो टांगे हैं, चार नहीं? लेकिन इनका कसूर क्या? यही ना कि इन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। आप समझते क्यों नहीं है? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे हैं? तुम जानते नहीं हो करण, जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगे। अंदर जाओ शराबी और चुप रहो। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं भैया। ये सिर्फ रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी जिन्होंने अपने हाथों से पैदा की है। कल को अगर इन किसानों ने हल फेंक दिए तो हम जमींदारों का क्या होगा? जमींदारों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा। हम समझे नहीं आपका मतलब। जाओ उससे जाकर इसका मतलब समझो, जो आजकल तुम्हें नए नए पाठ पढ़ा रही है। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है, दुश्मनी की लकीर। तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ जा खड़े हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी तो आपने बता दिया, अब इलाज भी बता दीजिए ना, जो हमेशा होता है। दीवान साहब, बंटवारे के कागजात तैयार है? तैयार है रानी साहिबा। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि वैसा बंटवारा नहीं जैसा आम जागीरों में होता है, आम घरों में होता है। यहाँ घरों में दीवारें नहीं चढ़ेंगी, जमीन के टुकड़े नहीं होंगे, भाइयों के रिश्ते को कुल्हाड़ों से फाड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ आमदनी का बंटवारा है, खानदान का नहीं। अब आप पढ़ सकते हैं दीवान जी। पढ़ने की जरूरत भी क्या है दीवान जी, लाइए हम दस्तखत कर देते हैं। छोटे कुंवर शायद दस्तावेज पढ़ना चाहेंगे। जी नहीं, हम भी इसकी जरूरत नहीं समझते। बताइए कहाँ दस्तखत करने?
अच्छा हमेशा यही होता है, आदमी हाथ काट के देने से पहले देख ले कागज पर क्या लिखा है। अगर बड़े भैया ने कागज नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो लिखा। तुम भाइयों के बीच में क्यों आ रही हो? बीच में ये बिचारी कहाँ आ रही, बीच में तो आपका गुस्सा आ रहा। अब तो हमें देखना ही पड़ेगा हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे थे। लता पढ़ो इसे, हम जरा जानना चाहेंगे। मैं कुंवर करण सिंह, सुपुत्र राजा उदय सिंह, पूरे होश में और अपनी मर्जी से आनंद नगर की जागीर का अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई कुंवर शमशेर सिंह के नाम लिख रहा हूँ। इसके बदले में मुझे वो नैनीताल का बंगला और 10 लाख रुपए देंगे। बस? जी हाँ बस, आगे सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। नैनीताल का बंगला, 10 लाख रुपए, बस आगे सिर्फ दस्तखत? ये बंटवारा नहीं लूट है। लता भूलो मत, तुम एक मामूली नौकर हो। तुम कौन होती हो हमारे खानदान के मामले में दखल देने वाली? ये खानदान का मामला नहीं है रानी माँ जी, इंसाफ का सवाल है, और इंसाफ के लिए छोटे से छोटा आदमी भी ऊंची से ऊंची आवाज उठा सकता है। लता ने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। हाँ हाँ लता ने ठीक कहा, बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे, सबके सब चोर जो हुए, मुजरिम जो ठहरे। मैंने किसी को मुजरिम नहीं कहा, सिर्फ अपना धर्म पूरा किया, और धर्म की बात यह है ये बंटवारा नहीं अंधेर है। नहीं लता नहीं, इन बड़े घरों में अंधेर को अंधेर नहीं कहा जाता, इसे प्यार कहा जाता है, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। करण सिंह भैया शायद तुम होश में नहीं हो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? उठा लीजिए ये कागज दीवान जी, हम इन पर दस्तखत नहीं करेंगे। चलो लता। के घर में आने के लिए इंसान को इंसान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, मगर हाँ भरी सभा में मुंह खोलने से पहले आदमी को अपने शब्द जरूर तोड़ने चाहिए। मेरी भूल सिर्फ इतनी थी रानी साहिबा, मैंने धर्म के नाम पे अधर्म होते देखा तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। कौन था धर्म, कैसा अधर्म? शमशेर सिंह जो भी कुछ कर रहा था करण सिंह की भलाई के लिए कर रहा था। शराबी है, कबाबी है, अय्याश है, सीढ़ियों से कमाई हुई दौलत, सदियों से बनाई हुई इसे कौन ज्ञान में फूंक सकता है? तो उन्हें सुधारने का अच्छा तरीका निकाला बड़े भैया ने, अपने नाम करोड़ों की जायदाद लिखवाने लगे थे और उनके हाथ में देने लगे थे भीख का कटोरा। ये तो करण को सोचना चाहिए था, इसने बंटवारे का सवाल उठाया। बंटवारे का सवाल छोटे कुंवर ने नहीं उठाया रानी साहिबा, ये तो बड़े भैया की मांग थी, इसे छोटे भाई ने नहीं ठुकराया। क्या तुम सच कह रही हो? मैं जिस मिट्टी की बनी हूँ वो मंदिर में देवी के सामने झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर हम इतना ही कह सकते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। अरे आप तो वक्त के पूरे निकले, कहा था 10 बजे आएंगे, 10 बजे आगे तक। लेकिन लता लोग तो कहते हैं शराबी की बात का क्या एतबार, रात के सौदागर सवेरे ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन आप तो मिल गए, बैठिए इस कुर्सी पर। अरे इस कुर्सी पर क्यों? इस कुर्सी पर बैठकर हमें क्लर्की करनी है। क्लर्की नहीं हुकूमत, आप यहाँ के मालिक हैं, आपको रोज आके देखना चाहिए आपके दफ्तर में क्या हो रहा है, आपकी जागीर में क्या हो रहा है। बैठिए ना। हम इस कुर्सी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। देखिए अभी तो सिर्फ 1 मिनट हुआ है, पूरे 9 मिनट बाकी हैं।
आइए बेटे, हमारे पास आइए। ये हम आज नई बात क्या देख रहे हैं? आपने यूनिफॉर्म पहना है। ये सेक्सी आंटी का हुक्म है। स्कूल के सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, है ना आंटी? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। पाठशाला जैसी पवित्र जगह पे अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटा। अरे ये सब देखो, स्कूल में जो सुधार हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना कह देते हैं कि हमें सुधारने की कोशिश मत करना। पत्तेरू, हम तुम्हें बर्तन घिस घिस के खुश घिस के, मगर तुमने हमेशा हमको उबले हुए चावलों पे डाल दिया। कभी ये नहीं पूछा बिजली बिरयानी खाओगी, कबाब खाओगी, फिरनी खाओगी। हम तुमको कबाब खिलाएंगा, फिरनी खिलाएंगा, बिरयानी खिलाएंगे, तुमको जन्नत की सैर कराएगा दीदी। कब? आज रात को चमेली के मंडवे तले। चमेली के मंडवे तले, यो चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, दो बदन आग में जल गए रे बाबा, दो बदन आग में जल गए रे बाबा। अरे मूंग छाती पे बटलर की हम डल गए, मूंग छाती पे बटलर की हम डल गए, ये चमेली के मंडवे तले तो, चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली की चमेली के मंडवे तले। बिजली बिजली बिजली, तुम कितना भोला भाला है, तुम अभी तक हमारे प्यार को नहीं समझा। अरे ये ऑर्डिनरी बैटरी नहीं है, ये हमारा मोहब्बत का बैटरी से चलने वाला लाइट है। अब बैठो बैठो। देखो प्यार की बात बाद में करो, पहला ये बताओ हमारे लिए खाने को क्या क्या लाए हो। तुम पेट भर के खाओ और जो बच जाएगा ना तो वो रानी साहिबा, छोटे सरकार बड़े साहिबा खिला देगी। क्या क्या है? अरे तुम देखो क्या मजा है। क्या हुआ, गरम है क्या? नहीं, कट गया हाथ। कट गया? ये कैसा हो सकता, कटी भी मुर्गी कैसे काट सकती है? मैं देखता हूँ। ओ ये तो, अरे डाली मुर्गी और निकला खेकड़ा। अरे अरे रे, तैर तो ऐसा रहा है जैसे तेरे बाप का तालाब है। तुमको नहीं मालूम ये सब ऐसा कैसा हो गया? अरे हमने से क्या पूछा था, तुमको ही मालूम क्या क्या कचरा भर के लाए हो इसमें। हम तुम्हारे लिए कचरा कैसे डाल के लाएगा? अरे हम क्या क्या डाल के लाया था तुम्हारे लिए? हमारे साथ किसी ने धोखा किया है बिजली। मर गए जो तुझे भूखा मरना पड़ेगा? मेरी रानी जरा तू बैठ, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आया। खोल मत खोल मत, तुम सब मर्द हुए बंद डिब्बे की तरह होते हो, बाहर से देखो तो चम चम चमकत हो और अंदर देखो तो कलाई उतरी हुई। अरे देख तो सही, तू खोल के अंदर बाहर सब एक साथ देख ले।
खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आए, आए। ये कोई बटलेरू का खाना थोड़ी है। अरे मेरी रानी, मैं तेरे लिए खा आगरे के ताजमहल होटल से लेके आ रही हूँ। खाले खाले खाले। वाह वाह, खाना तो बड़ा मजेदार है। अरे तो खाने वाले भी तो बड़ी मजेदार है। हाँ, खा ले खा ले, अब तू जल्दी से खा ले, फिर उसके बाद। उसके बाद क्या? अरे उसके बाद चमेली के मंडुए तले मूंग छाती पे बटलर की हम डल गए। चमेली के मंडुए खिला दे। मम्मी मम्मी, तुम्हारा घोड़ा आ गया। मम्मी यहाँ कार्ड पंच करो। लता का मनी ऑर्डर आ गया। मम्मी यहाँ दस्तखत करो। कितने रुपए भेजे लता? बहुत बड़ा खजाना भेजा है मम्मी, सिर्फ 200 रुपए। मेरे लिए तो खजाना ही, इसका पति काम कर नहीं सकता और बेटा काम करता नहीं। स्टॉप इट मम्मी, डैडी के माफिक लेक्चर मत छोड़ो। यहाँ पंच करो कार्ड। कम ऑन, लो, गेट। आधा बर्ज है सेक्रेटरी जी, आधा बर्ज है। जरा बटुआ खोलिए। क्या चाहिए? माल चाहिए माल। क्यों? बाहर सूरज डूबता है तो अंदर छोटे सरकार को दर्द शुरू हो जाता है। हेलो, ये क्या? एस्प्रो की टिकिया के लिए पैसे। उनका दर्द टिकिया से थोड़ी दूर होता है, वो तो इससे होता है। पैसे नहीं मिलेंगे, गेट आउट। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो उनके लिए मांग रहा हूँ जो मेरे भी मालिक है और तुम्हारे भी। कह जो दिया है पैसे नहीं है। अच्छी बात है, मैं जाके छोटे मालिक से कह देता हूँ कि अब उनका हुक्म खोटे पैसे की तरह हो गया है। बाजार की बात तो छोड़ो, घर तक में नहीं चल रही है। जाके कह दूं? हाँ हाँ कह दो, धमकाते कैसे हो? देखो सेक्रेटरी जी, एक बार फिर समझाया दे रही हूँ, वो दिन में तुम्हारी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन रात का महकमा मेरा है। गेट आउट। आदाब। लता, तुमने इसे पैसे देने से इनकार किया। जी किया। तुम्हें मालूम था ये पैसे हमने मंगवाए हैं? मुझे मालूम था ये पैसे क्यों मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जो पैसा तुम्हें दिया गया है उसे खर्च करो और उसका हिसाब रखो। हमसे हमारी जिंदगी का हिसाब मत मांगो, हमें उसकी आदत नहीं है। माल। सुसरी जूती को जूती की जगह बता दी। समझते क्या अपने आप को? अरे आखिर मालिक मालिक होते हैं, मगर फिर भी हुजूर उसने दिया नहीं। भगवत जो अभी निकाल रहा है अभी बुलाएंगे। इनके गुस्से की उम्र उतनी है जितनी गिलास में शराब। आदाब मेरे मालिक, आदाब। ये सब क्या है? आपके पैसे और मेरा इस्तीफा। ये क्यों नहीं कहती कि ये हमारा हुक्म है और ये तुम्हारा घमंड है? जी घमंड नहीं, मेरी इज्जत, जिसे मैं अपनी जरूरत के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। जितना तुम्हें अपनी इज्जत का पास है उतना हमें भी है। जरूर होना चाहिए, उससे बढ़ के होना चाहिए। मैं कौन होती हूँ आपके खर्च पे रोक लगाने वाली? पैसे आपके हैं, जिंदगी आपकी है, आप उनसे जिस तरह चाहे खेल सकते हैं। मुझे बुरा लगा तो उस नौकर का तरीका बुरा लगा, और सच पूछे तो मुझे उससे भी बुरा लगा आपका तरीका। हमारा तरीका? जी हाँ, आपने उसकी बात में आके उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ओके ओके, आई एम सॉरी, हम गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह बैठे। कहना अमीर का अधिकार है और सहना गरीब की मजबूरी। ओ, तो बीच में अमीर और गरीब कहाँ से आ गया?
हम तो पहले गिन गिन के अपनी कमजोरियां तुम्हें बता चुके हैं, और ये शराब है ना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है लता। हमारी कमजोरियों के कारण हमें गलत मत समझो। I'm sorry, sir. सुनो, हम इसमें से कुछ रुपए ले सकते हैं? दे गई ना माल, बड़बड़ करती थी, चाल टके की सकट। आइंदा इस महल में लता की इज्जत की जाएगी। रख ले जा। लता को पता नहीं चले। बड़ी आई थी मालिकों की मालिक, अरे तुम्हारी कीमत तो बोतल से भी कम है। अरे सैया भाई भाई ने धंधा बंद किया है तो उसकी बेटी ने शुरू कर दिया है। ये सही तख्ते। मंदिर है जिसमें संगीत नहीं।
कीजिए। आज मुझे होश नहीं रहा, इसलिए अपनी जगह भूल गई। ये पहली बार नहीं। इसके लिए कोई फायदा कोई कानून नहीं। बहू, भगवान के मंदिर और संगीत के भवन में एक ही कायदा होता है, एक ही कानून चलता है, और वो है दिल का कानून। और लता के दिल में जो संगीत है वो शायद इस वीणा में भी नहीं। लता, आज तुम्हारे संगीत ने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया, और ना जाने कितने सोए हुए सपने जगा दिए। कौन से सपने रानी माँ जी? एक सपना तो तेरा ही है बेटा। किस दिन तू ऐसी बहू लाएगा जो इस महल में तेरे जीवन में खुशी का संगीत भर देगी? वो आएगी, जरूर आएगी। तुम्हारा बेटा तो आदमी कहलाने के भी काबिल नहीं। उसकी बात छोड़िए, आगे बढ़िए। बेटे ने क्या लिखा है? लिखा है वो अच्छी तरह है। हमारे रहने के लिए उसने घर का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हारे लाल को कैसे ले जाऊं। अगर उसने वहां भी अपने गुल खिला दिए तो तुम्हारी बेटी का क्या मुंह रह जाएगा? लो, आ गए तुम्हारे सुपुत्र। ये भैया, जैकपॉट लग गया है। क्या घर के 300 भी गए हाथ से? 300? कौन से 300 रुपए? क्या बकती हो? ये ऐसे बातें करिए जैसे मैंने कोई चोरी की। चोरी छोटी चीज होती है, तुमने तो डाका डाला है डाका। लता ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया है। वो हर महीने 500 रुपए भेजती थी, तुम 200 देते थे मुझे और बाकी 300 घोड़ों के लिए दबा लेते थे। घोड़े तो माँ बाप से भी ज्यादा इसके नजदीकी रिश्तेदार है ना। बस कीजिए, बस कीजिए। ये संभालिए अपने 600। मुझे नहीं मालूम था कि आपको बेटे से बढ़कर ये रुपया प्यारा है। छोड़ो बसंती, इन्हें तो मेरी कीमत उस वक्त मालूम पड़ेगी जिस वक्त लाखों रुपए का मेरा जैकपॉट निकलेगा। तुम जो जी में आए करो, हमें तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। सचमुच नहीं? बिल्कुल नहीं। हम भूख से मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ओ मम्मी डैडी, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया, तुम निकल जाओ मेरे घर से। ओके ओके, आज के बाद हम इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। और डैडी, उम्मीद है कि हमारे गरीब खाने में आप भी कभी कदम नहीं रखेंगे। अरे नहीं जाएंगे तो धमकी किसे दे रहा है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। बसंती, जाने से पहले ये बक्सा खोल के क्यों नहीं इन्हें जैकपॉट का दर्शन करवा दे? हाँ, लुक मम्मी, लुक डैडी, लुक लुक। नगद 3 लाख रुपए आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मैंने जिंदगी में 3 लाख तो नहीं देखे, लेकिन तुझ जैसा 3 चक्के का कमीना भी नहीं देखा। मारते क्यों? टाटा डैडी, ले जा इसे, तेरा कचरा मुझे नहीं चाहिए, ले जा। ओके ओके, चलो 3 और ये 3 मेरे। चलो जी। बड़ा शानदार घर मिला है, लेकिन इतने बड़े घर की देखभाल। अरे तुम इसकी फिक्र ना करो, नौकर चाकर बहुत है, तुम तो रानियों के तरफ आराम करो। बेटी, मकान से ज्यादा ये सुनकर खुशी हुई कि जिनके यहां तुम काम करती हो वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, तब करण सिंह खुद खाना भी नहीं खा सकता? खिलाने के लिए भी उसे सेक्रेटरी चाहिए। लता को हमने खाने पे बुलाया है, आओ लता बैठो। हेलो गौरी, कब आई तुम? आज ही। कल देखा तू इतनी सी थी, आज देखा तू इतनी हो गई। बेटियां और बेले बहुत जल्दी बढ़ती हैं। सही कहा आपने रानी माँ जी, आज बेटी कल माँ परसों नानी, मर्द ऐसी तरक्की इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी ऐसी तरक्की करने वाली नहीं हूँ, मैं तो शादी ही नहीं कर रही। क्यों नहीं बेटी, हम तो कितने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन तुम इस घर में करण की दुल्हन बनकर आओगी। दोनों बहने एक ही घर में ब्याह के लाई जाए तो भाइयों में फूट नहीं पड़ती, खानदान में झगड़े नहीं होते। एक फायदा और भी होता है, कभी एक बहन को आंसू बहाने पड़े तो दूसरी मौजूद होती है उसके आंसू पोंछने के लिए। ठीक है बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो
जैसे सारा दिन आंसू ही बहाती रहती हो। हम अपनी नहीं, उनकी बात कर रहे थे, जिनके पति हमेशा शराब के नशे में चूर और बदमस्त रहते हैं। सुबह भी शराबी की बात भी सुन लो, आज तक हमने जो भी लड़की देखी, हंसती हुई देखी, रोती हुई देखी नहीं। देखते भी तो कैसे देखते भैया, पैसे से खरीदी हुई गुड़िया सिर्फ हंसना जानती है। बहू, कैसी बात निकालती हो मुँह से, तुम्हें हमारा भी लिहाज नहीं? बेलिहाजी में भाभी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इनकी बातें सुनकर तो शराबी को भी शर्म आने लगती। इजाजत चाहेंगे, हम जा रहे हैं। अब तक सिर्फ जिक्र सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया, ये कितने अच्छे। आंखों से आदमी सिर्फ बाहर का खुल देख सकता है, अंदर की खूबसूरती नहीं। अंदर की खूबसूरती सिर्फ तुम्ही ने देखी होगी, हमें तो न देखने की फुर्सत है न जरूरत है। चलिए। ये क्या रानी साहब, आप रो रही हैं? हाँ, आज रोना पड़ गया, दिल में एक तीर सा चुभा और आंखों से आंसू उछल पड़े। लोग भारी सभा में हमारे बेटे को, हमारे करण को शराबी कहे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये उंगली क्या दिखा रहे हो आसमान को? अरे हुजूर, समझ लीजिए कि आसमान की खबर लाया हूँ। क्या बकते हो? अरे मुझे आज मालूम पड़ा मालिक, ये अमेरिका वालों ने चांद की तरफ जाना क्यों छोड़ा? अरे क्यों 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 छोड़ा यार, बताओ। हुजूर इसलिए छोड़ा कि चांद जो जमीन पे उतर आया, आप हुक्म दे तो आज शाम ही को उस चांद को आपकी बाहों में डाल दूं। कौन है भाई, कौन है वो, हम भी सुनना चाहेंगे। चांदी की बनी हुई, चांदनी में धुली हुई। ओ हो हो, 200 रुपया तो मुझे सिर्फ उसकी खबर लाने का मिलना चाहिए। 200 रुपया? अगर माल तारीफ से कम निकला तो हम तुम्हें आधा कर देंगे। गुलाम हाजिर है सरकार। ए तख्ता हुजूर। एक मिनट में आ रही हूँ। बदतमीज है। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए लता। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। What nonsense! तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? हमें पीने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हमारी मर्जी एक आजाद आंधी की तरह, जिसे तुम जंजीरें नहीं बना सकती हो। तुम हंस रही हो? हंसने की तो बात ही है, जो बोतल की कैद तोड़ नहीं सकते वो आजाद आंधी की बात कैसे कर रहे हैं? लता, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। जी नहीं, मैं आपको आपकी सीमा बता रही हूँ। हर चीज की एक सीमा होती है, कुछ कीमत होती है। आपके पास तो न अपनी इज्जत की कीमत है, न दूसरों के प्यार की। लता, ये पल्लू देखिए मेरा, कितनी बार भीग चुका है आपकी माँ के आंसू। आपका बस चले तो आप माँ के आंसू भी पी जाएंगे, सिर्फ उनमें शराब जैसा नशा होना चाहिए। लता, जबान को लगाम दो। हमारे सामने जो गुस्ताखी करता हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। हम पिएंगे, तुम क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ओह शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। यू ब्लडी वुमन। रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए, इसमें शराब से लाली भी ज्यादा है, नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। शराब का नशा तो रात को चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, मगर खून का नशा जल्दी नहीं जाता। पीजिए पीजिए। लता, ओ
तुम क्या समझती हो हम खून के प्यासे कोई जंगली जानवर हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? हम शराबी जरूर हैं, मगर हम शराबी क्यों बने ये तुम्हें मालूम नहीं। हमारी कहानी शराब में नहीं खून में लिखी हुई है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो। कौन है ये? कौन है? तुम कौन हो, हम कौन हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। चेहरे की शांति देखो, इन आंखों में भरा हुआ प्यार देखो। ये वो देवी है जो हमारी मां है, लेकिन हमें मां से बढ़कर प्यार दिया इसने। लता, आसमान में उड़ते पंछियों, जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी माँ का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? माँ। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला तो उसका जवाब हमारी अपनी माँ ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। इसीलिए हमने हमेशा इसी को मां माना और किसी को नहीं। हमारी मां को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहिबा। मां, ये पता खेलिए। ये वाला? हाँ। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले, बेटा किसका है। लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं, उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया तेरे छोटे कुंवर को बोला। सोच क्या रही हो, पत्ता फेंको ना। ठहरो भी माँ, वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ, वो क्या खेल रहे हैं? तुम क्या कह रही हो बेटे, ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है? खामोश। राजा साहब किधर है? अच्छा, आपको माँ कहे तो कैसे, आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में हजार बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सती नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में एक बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता है जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते, आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटे की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर। वो भयानक तस्वीर खुदी हुई है हमारे सीने पे। खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा। हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं मगर वो खून नहीं भूल सकते। रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खींच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कम चोट नहीं आई। रानी माँ का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो परसों बिस्तर से ना उठ सके। 15 साल इसी में गुजर गए। एक दिन
बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपने आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है, ऊंचे लोगों की दुनिया, जहाँ इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया है। हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं, उनके पास हर बीमारी की दवा है लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद। हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खा कर कहते हैं, हम आज के बाद शराब कर नहीं देंगे। अरे लता, ओ लता, मुझे शराब की कसम, मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी वजह से मेरे छोटे सरकार भटक गए, मैं उनको फिर से रास्ते पे ले आऊंगा। तेरा सत्यानाश हो। ये मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी नसें क्यों फट रही है? ओ, लो। अरे ये पेट्रोल का पीपा कहाँ से उठा लाई? मुझे तो शराब चाहिए थी मेरी माँ। अरे पीपा पेट्रोल का है, अंदर मवे की शराब भरी है। बहनोई रोज अच्छा। अरे तो आज बहनोई समझ के ही पिला दे मेरी रानी। ले ले। ला। अरे इसने तो अंदर बाहर सब जला दिया, ये शराब है कि पेट्रोल? अरे देसी माल ऐसा ही होवत है, लेकिन तुम्हारे को माल से क्या, तुम्हें तो नशा चाहिए और इसमें अंग्रेजी से बढ़कर नशा होवत है। चल ले जा। अच्छा ले, लेट गया। आंखें बंद कर। बंद कर ली। अब मुंह खोल। हम तुम्हें मजे से पिलावत है। ले। अरे तू पहले घास लेट भेजती थी क्या? तुमने को नशा मंगता है कि नहीं? नशा नशा। चौक फिर लो। ठहर गया। लो नशा। बोलो कैसा है नशा? अरे मुझे को यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। बिजली, हमको किसी की परवाह नहीं है। अरे छोटे सरकार ने शराब पीनी छोड़ दी तो क्या हुआ? बड़े सरकार ने तो नहीं छोड़ी। क्या मतबल? हम बड़े सरकार की नौकरी करेंगे, हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अरे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, हमरे को ये बात पसंद नहीं। अरे आजकल बड़े बड़े लोग यही करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, माल कमाने का यही तरीका है। छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो Thank you.
छोटे सरकार, हमें अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। कब? आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर दे दिए जाए। जिनके पास जमीनें नहीं, जमीनें दे दी जाए। जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाए, पंप लगवा दिए जाए, हमारे अनाज के गोडाउन खोल दिए जाए। जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे। समझ लो हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार, भगवान आपको लंबी उम्र दे। हमारे दौरे का इंतजाम करो, हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। लता, जो चीजें हवाओं में लहराती और आसमानों पर उड़ती, उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई, छुपी हुई अच्छी लगती हैं। आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम कितवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ये धरती तो वो धरती है मालिक, जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। मालिक, इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक। पहले हम मर्दन औरतन की टोलियाँ बनावत हैं, फिर जोड़ियाँ। जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियाँ पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो यही बैठी है, एक राजा दूजी रानी। लाओ अंगूठियाँ। लाओ मालिक। ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकले हो रे। अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है। अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा? ऐसे नहीं। अब पहना। अपने राजा को पहनावा। अरे नहीं जाओ। दंबुआ बारू
ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। एक ही झोंके में कली फूल हुई।
तुम वहां कांप क्यों रही हो? यहां जाओ आपके पास। नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या? जो तुम्हारे साथ हो रहा। जी चाहता है कुछ कहे अगर कहा नहीं जाता। दिल चाहता है कुछ कुछ भी नहीं। करना पहले ये बताओ जो माल लाने गए थे लाए हो कि नहीं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, लाया हूं। अरे ये तो आ गई, वो नहीं आई क्या? वो भी आई है सरकार। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, और दोनों के बिना दुनिया नहीं सरकार। लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आप तखत राम को मूर्ख राम समझ रही है सरकार, गुलाम को मालूम नहीं क्या? किसी ने देख लिया तो हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है, लेकिन माल है किधर? मालिक लाया हूँ, अभी बुलवाता हूँ। अरे अंदर आ रही। बड़े हुजूर को प्रणाम कर ले। क्या? हाँ हुजूर, आज ही आई है नई नई मिस लिली, बीए पास। क्यों? या या ब्यूटी ब्यूटीफुल नहीं है ब्यूटीफुल। हुजूर माल पसंद आया। ठीक है सुन जा मालिक। लो करो आदाब। बेबी तुम्हें नचना आता है? या 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 क्या? कौन है तुम? कौन है तुम? हम बिजली है हुजूर। बिजली? हुजूर हमारा कोई कसूर नहीं हुजूर, वो हमको बोला या बोलने को। कौन हम बोला या? कौन? तकसाम। तकसाम हुजूर माल कैसा लगा? हम चजूर बोल क्या हुजूर? महल की एक नौकरानी को हमारे पास ले, अगर उसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करिए सरकार, मैं उसका मुंह बंद करवा दूंगा। मगर हुजूर मैंने उससे वादा किया था कि आप उसे इनाम में 5 एकड़ जमीन और एक मोटर वाला पंप देंगे। बस इतना कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा सरकार। मगर याद रखो, अगर इसके बाद भी ये बात बाहर निकली हम तुम्हें गोली सुना देंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं खुद ही अपने आप को गोली मार लूंगा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा जाओ जाओ, वो 5 एकड़ गायब हो जाएगा। आदाब सरकार। सुना है आपके छोटे भैया लाखों रुपए खर्च करके एक महल बना रहे हैं, किसके लिए? हमें क्या मालूम। आपको तो तब मालूम होगा जब एक मामूली नौकरानी इस घर में रानी बन जाएगी। रानी? हाँ रानी। सच पूछिए तो महल नहीं बन रहा, हमारे और आपके अरमानों की समाधि तैयार हो रही है। हंसने की बात नहीं है, लता ने बहुत ऊंची कमन फेंकी है। डार्लिंग ये करण का अपना मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल होगा या माँ की मर्जी होगी। आपके माता जी की मर्जी तो कल तक यही थी ना कि करण की शादी हमारी बहन के साथ की जाए।
और शादी उसी के साथ होनी चाहिए। हम अपनी बहन के लिए नहीं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। करण की दौलत को अपने कब्जे में लेने का यही एक तरीका है। अब भला तुम्हें कोई कैसे समझाए, पुराने घड़े खोदने से क्या फायदा। समझ लो तुम्हारी भाभी ने भूल से उस दिन तुमसे कुछ कह दिया। भाभी ने भूल में कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा सोच समझ के कहा। यही तो मुसीबत है रानी माँ जी, हम बड़े लोग भूल कर भी कभी भूल नहीं करते। किसी को गाली भी देते हैं तो सोच के, किसी को चाबू भी मारते हैं तो समझ के। उस दिन कोई भी होता तो यही करता, खास तौर पर जिन्हें लड़की ब्यानी हो। उस दिन का कारण और था, आज का कारण बदल गया है। हम बदल गए इसलिए तो अच्छे बुरे की पहचान करने लगे। सिर्फ तुम्हारी पहचान काफी नहीं है करण, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है वो कुछ हमें भी सोचना होगा। जब सूरज चढ़ता है भैया, तब दुनिया वालों को मिलकर बैठकर ये फैसला नहीं करना पड़ता है कि अब दिन है या रात। करण, हमें ऐसा लगता है तुम किसी लड़की से प्यार करने लगे। सवाल ये नहीं है कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं या नहीं, लड़की हमें ऐसी चाहिए जो हमसे प्यार करे, हमसे, हमारी दौलत से नहीं, हमारे खानदान से नहीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं भी आप ही से बात करने आई हूँ। अच्छा, तो रानी माँ जी ने भेजा है तुम्हें, जो काम वो खुद ना कर सकी वो तुमसे कराना चाहती हैं। लेकिन इस मामले में तुम्हें हार माननी पड़ेगी, जानती हो क्यों? प्यार एक ऐसी गली है जिसमें सिर्फ एक का गुजर हो सकता है, दो का नहीं। वो एक कौन है? एक देवी जिसे हमने अपना सब कुछ दे दिया। चलो क्यों है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी से बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए। लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है? तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तो हमारे दिल में रहती है। देख लो अंदर जाकर वो मौजूद है। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना, ओ रत्ना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना, ओ रत्ना।
किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। जाने मन जाने जा, मैं कहां तुम कहां, जाने मन जाने जा, मैं कहां तुम कहां, मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना। ओ सजना किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। मुझको यकीन है ये सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना। ओ रत्ना किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना। अपनी आंखों से हमने करण के कारनामे देख लिए, आपने अपने कानों से सुन लिए, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? जो तुम ठीक समझो करो, तुम्हें पूरा अधिकार है। हम चमड़ी उधेड़ देंगे तुम शक्ति। जिसने देवी माता के गले से जड़ा उहार उड़ाया है, जिसकी छत्र छाया कितनी सदियों से हमारे खानदान के सर पर है, कौन है वो? कौन है वो जिसने उसी माँ के गले में हाथ डाल दिया? गुस्ताखी माँ पूछू, मंदिरों में तो चोरी वही करते हैं जो मंदिर जाते हैं। हमारे मंदिर में हमारे खानदान के सिवा और कौन जा सकता है? वहां तो सिर्फ रानी माँ जाती है या हमारी पत्नी। कभी कभी दूसरे भी जाते हैं सरकार, अभी कल की बात है। कल कल कौन गया था मंदिर में? लता। अगर लता मंदिर में जाकर चोरी कर सकती है तो दुनिया का कोई भी आदमी चोरी कर सकता है रानी माँ जी। भाभी कर सकती है, आप कर सकती है। करन, अपने आप में रहो, तुम लता को हमसे मिला रही हो? हम किसी को किसी से नहीं मिला रहे रानी माँ जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अगर आपको लता पर शक है हम खुद लता को यहाँ बुलाते हैं, आपके सामने पूछते हैं। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भैया तफ्तीश कर रहे हैं। भैया तफ्तीश नहीं कर सकते, वो सिर्फ जुल्म कर सकते हैं रानी माँ जी। उनका इंसाफ भी उनकी चाबुक की तरह अंधा है, जो परस्ता पहले और सवाल बाद में पूछता। आप कैसे आए? लता के बक्स में मुझे ये हार मिला। इसे देखते ही मुझे लगा यह हार इसी महल से आया होगा, लता हमें दिखाने के लिए लाई होगी शायद, और वापस करना भूल गई। अच्छा छोटे सरकार, मैं चलती हूँ। हाँ।
तुम अब भी कह सकते हो लता के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जवाब दो। मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं कैसे कह दूं कि मैं चोर हूँ? आपकी चाबुक से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का डर है, अपने भगवान का डर है। मैंने गरीब के घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरी रोगों में नानी का किचन नहीं बहता। काश देवी माँ की जुबान होती फिर वो कहती कि मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये इंसान झूठा है, मुंशी झूठे हैं। तुम हमने झूठा कहती हो? वेल डन, वेल डन माय ब्रदर, वेल डन। बहुत खूब, ये खूबसूरत काम हमारे खानदान में पहली बार सिर्फ आप ही ने किया है। एक औरत पे हाथ उठाने का तमगा भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। करण, शर्म नहीं आई एक औरत पे हाथ उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुजरिम की वकालत करते हुए? जुर्म साबित करने से पहले आपको सजा देने का कोई हक नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने नहीं किया है? लता, ये सब कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ लता? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें दे ना सके? समझी, वही बात जो आपके भाई तमाचे से पूछ रहे थे आप नरमी से पूछ रहे हैं। नहीं लता, हमें तो खुद इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो हार तुम्हारे घर से निकला है, तुम्हारी माँ खुद लाई है, वो हार तुम्हारे घर तक पहुँचा कैसे? मेरा घर तो बहुत दूर है, वो हार मेरे बटुए में मिल सकता था, मेरे शरीर पे मिल सकता था। तुम हमें गलत समझ रही हो। नहीं छोटे सरकार, दुनिया में बड़े लोग क्या नहीं कर सकते? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है लता। तो सुनिए जवाब, मैं चोर हूँ, देवी का हार मैंने खुद अपने हाथों से चुराया है। यही करने के लिए मैंने पहले आपकी नौकरी की, फिर आपसे प्यार किया। सुन लिया जवाब लता। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। बोलिए, मैं चोर हूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डालिए और जवाब दीजिए, मैं चोर हूँ? जवाब नहीं दे सकती ना? आपको अच्छी तरह मालूम है वो देवी का हार कैसे गायब हुआ, मुझे अच्छी तरह मालूम है वो हार क्यों गायब हुआ। आपने अपने बेटे की खातिर किसी और की बेटी पर इल्जाम लगा दिया, ये इंसाफ है क्या? झूठ के किले ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते, जिस दिन वो गिर जाएंगे और आपका पोल खुल जाएगा उस दिन आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? आपको ये नाटक रचाने की जरूरत ही क्या थी? आपने एक शब्द, सिर्फ एक शब्द मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद यहां से चली जाती। मैं यहां नौकरी करने आई थी, लेकिन एक मां के आंसू देके मैंने उसके बेटे को सुधारने की कोशिश की। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, अपने लिए नहीं। मुझे इस घर में जगह चाहिए थी, तो उनके दिल में। उन्होंने जो कुछ भी दिया मुझे अपनी मर्जी से दिया, मैंने नहीं मांगा था। ये भी अगर जुर्म है तो सर आंखों पे। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं एक पल में आपका बेटा आपको सौंप के जा सकती हूँ, उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। एक बार आपने कहा था ना लता, हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। आपने उतार दिया कर्जा, सारे कर्ज उतार दिए। आपने जो हमें इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने साबित कर दिया छोटे सरकार कि आप सचमुच के महाराजा हैं, महाराजा हैं। अरे तुम क्यों रो रही हो? पुराने बादशाह भी यही कहते थे, हाथियों पर बुलवाते थे और गधों पर भेज देते थे। इन्होंने तो हम पर एक एहसान किया है कि गधे नहीं मंगवाए। आप तो बड़े हैं बुजुर्ग, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? छोटे सरकार, हम लोग पहले ही आधे मरे हुए हैं, अपनी हमदर्दी से हमें और हमारी है। तुम आखिर चाहती क्या हो? अपने जुर्म की सजा। हमने तो नहीं कहा कि तुमने जुर्म किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अपने हित के लिए दूसरों को धोखा न देना, अपनी जगह भूल कर दूसरों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेना, अपनी इज्जत दूसरों के गरुड़ के पाँव के नीचे रख देना, ये सारे कसूर किए हैं मैंने।
उनकी सजा मुझे मालूम है भोगनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है आपके सामने भोगनी पड़े? लता, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। तुम हमें बात भी करने दोगी कि नहीं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आगे आपको जो कुछ कहना होगा मेरी नाश से कहना होगा। चले जाइए यहाँ से, चले। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। इस वक्त तुम होश में नहीं हो कि तुम हमारी बातें समझ सको। हमारे हर लफ्ज का कुछ तुम और ही मतलब निकाल रही हो। जब तुम्हारे गुस्से की आंधी थम जाएगी हम फिर आएंगे। चलिए पिताजी, हम यहाँ एक पल और नहीं ठहर सकते। That's it. महल वालों ने नौकरी की जगह टोकरी हाथ में दे दी और धक्का खा के सीधा आप यहाँ पहुँचे। आपको तो बड़ा गुमान था न कमाने वाली बेटी पर। बड़ी शान से कह गए थे भूख से मर जाएंगे लेकिन बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उसके घर में कदम नहीं रखेंगे। भैया, हम सारी उम्र तुम्हारे सर का बोझ बनकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पड़े रहेंगे। मुझे 4 दिन में नौकरी मिल जाएगी, हम दूसरा ठिकाना कर लेंगे। तुम अपने इतने बड़े घर में एक छोटा सा कोना अपने माँ बाप भाई बहनों को सर छुपाने के लिए नहीं दे सकते। हाँ, अगर कुछ दिन गुजारा करना चाहो तो इस बिल्डिंग के पीछे नौकरों का एक क्वार्टर खाली है। हाँ। चाहो तो देख सकती हो। Yes. हमें देखने की जरूरत नहीं, हम वहीं ठहर जाएंगे। Then okay. Let's move. चलो come on, उठाओ सामान। ए, बड़े सरकार किधर है? फिर तो बड़े सरकार आप ही हैं। कंधे पर हाथ क्या रखा, मालूम पड़ा बिजली के नंगे तार को छू लिया। भूल रहे हो कमबख्त, हम मौन रखे तुम नौकर। इसीलिए तो आज मैंने थोड़ी पी ली सरकार। जब वो अंदर जाती है तो मालिक और नौकर दोनों बाहर रह जाते हैं। बदतमीज, उठो। क्या करने आए भैया? बस वही पुरानी चीज लेने आया हूँ, पैसे। कल तो दिए सत्र। कल की बात कल के साथ गई हुजूर, आज का किस्सा नया किस्सा। आंखों में खून न उतारिए मालिक, चुपके से जेब में हाथ डालिए और पैसे दे दीजिए। नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? नहीं, करना तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसी महल का एक और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं सीधा जाकर छोटे सरकार के पांव पकड़ लूंगा और साफ साफ बता दूंगा, देवी का हार मैंने आपके हुक्म से लता के घर पहुंचाया था। ठीक है तो मैं फिर चलता हूँ। क्या से कहा हो, ये लो अपने पैसे तो लेते जाओ। अब तो बस जलवे ही जलवे हैं। अरे तो फिर हो जाए जरा जलवा चमेली के मंडवे चलो। बोल, देवी माँ का हार लता के घर में कैसे पहुँचा? सरकार, सरकार, मैं बेकसूर हूँ हुजूर, मैंने जो कुछ किया वो बड़े सरकार के हुक्म से किया। भैया, क्या बात है, शराब पी के आए हो क्या? शराब नहीं, तेरा घोला हुआ जहर पीकर आ रहे। बोल, देवी माँ के हार का नाटक क्यों रचाया तूने? बोल, देवी माँ की सौगंध खाकर क्या क्या साजिशें की तूने लता को महल से बाहर निकालने के लिए? तुम चाहते क्या हो? सदियों से बनाई हुई इस खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाए? ये हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। क्योंकि तू खानदान की इज्जत बढ़ा रहा है मासूम और बेकसूरों पर जुल्म करके। तू उस खानदान के लिए गालियां जिसमें तूने जन्म लिया है। ज़बान को लगाम दो, तुम्हारी रगों में किन लोगों का खून है? एक मामूली लड़की से शादी करके तुम उस खून में नारियों की गंदगी भरना चाहते हो? शमशेर, इस महल के इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाए, एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, मगर साथ ये भी लिखा जाएगा उसने भाई की जान ली इंसाफ की खातिर। अगर तुम्हें पिस्तौल खाना है तो अभी मैं ही खाली बता लूंगा। हम तुम्हें बताते हैं आज कैसे चोरी हुआ और
किसके हुक्म से? हमारे हुक्म से। इतनी बड़ी जागीर का मालिक और एक नौकरानी के लिए अपने आप को भूल बैठे ये हमसे देखा नहीं गया। माँ का प्यार नौकरानी के प्यार के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ का प्यार? कहाँ का शब्द है ये? ये शब्द आज हम पहली बार इस महल में सुन रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ रानी माँ जी, आपको मालूम है माँ का प्यार क्या होता है? मालूम हो भी कैसे, आपको अपने आप से फुर्सत ही कम मिली है। आप तो एक दिन के लिए क्या एक पल के लिए भी माँ न बन सकी। हमें माँ का प्यार मिला जरूर, लेकिन अपनी माँ से नहीं, एक नौकरानी से। आज भी हमारी आंखों के सामने उस आय की तस्वीर घूमती है, जिसके दिन हमारे लिए थे, जिसकी रातें हमारे लिए थी, जो हमारे लिए जीती भी रही और मर भी गई। माँ का प्यार उसे मालूम था, माँ के प्यार की कहानी वो अपने खून में लिख गई। और मजे की बात तो यह है कि आज खून बहाने वाले प्यार की दुहाई दे रहे हैं। करण, सच्चाई कितनी कड़वी होती है, अभी तो हमने पूरी बात नहीं की। काश हम अपनी छाती चीर के दिखा सकते इसमें कैसे कैसे घाव पड़े हैं। और एक एक घाव चीख चीख के कह रहा है कि सामने जो खड़ी है तेरी माँ नहीं है करण, नफरत की देवी है जिसने पहले तेरी माँ का खून किया फिर तेरे प्यार का गला घोट दिया। प्यार, प्यार इन महलों में सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन ये बात बेचारी लता को क्या मालूम। वरना इस जानवर में सोए हुए इंसान को ना जगाती, उसे ये ना सिखाती, नफरत से प्यार ऊंचा होता है, पाप करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमने तो आपको भी माफ कर दिया था रानी माँ जी, लेकिन आपने खूब बदला चुकाया। लता को महल से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया, और वो भी सीधी तरह नहीं, पूरी साजिश के साथ। आगे पड़ता था सिर्फ माँ के प्यार का, पीछे फिर वही खौफनाक खेल। एक बार फिर बेचारे प्यार को नफरत की देवी की चौखट पर बलि चढ़ाया जा रहा था। बस करो करण, अब हम और जहर नहीं पी सकते। ये जहर आपको पीना पड़ेगा रानी माँ जी, एक न एक दिन सबको उस दरबार में जाना है, जहाँ दौलत साथ नहीं जा सकती, ये महल साथ नहीं जा सकते। वहां जाके आप लोगों को मालूम होगा, जो इस दुनिया में कांटे बोते हैं उन्हें उस दुनिया में भी कांटे मिलते हैं। करण, तुम अपनी माँ को ऐसा श्राप दे रहे हो? श्राप के सिवाय देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जब घर में आग लगती है उसे एक ही चीज उठती है, धुआं। ये समझ लीजिए हमारी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे, हमारा जलते हुए दिल से धुआं उठ रहा। हम जा रहे हैं। आपको मुबारक हो ये महल, आपको मुबारक हो ये दौलत, ये राज। कमाल है लता, अब हमारे साय से भी डर लगने लगा है। मुझे मालूम हो गया रोशनी और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता। लता, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तुम बेकसूर हो। मैं तो पहले ही जानती थी, आपको अब मालूम हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो गई है छोटी सरकार, जो कलंक मेरे माथे पर लगना था लग गया। वो कलंक हमने मिटा दिया है पूरे महल के सामने लता। आप इतनी दूर यही कहने आए? हम तुमसे माफी मांगने आए। जो सजा का हुक्म दे सकते हैं माफ करना भी उन्हीं का अधिकार होता है। समझ लो लता, सजा देने वाले आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आए। माफी देने वाली मैं कौन होती? मैं तो सिर्फ सजा सुन सकती हूँ, सजा भोग सकती हूँ। हमें एक बात आज मालूम हुई, अमीरों के महल अगर मकरूर हो सकते हैं तो गरीबों के झोपड़े भी कुछ कम नहीं होते। नहीं मिलता तो दोनों दरवाजों से क्षमा का दान नहीं मिलता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? पहले तुम्हारे और हमारे बीच लोगों ने अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी थी, उसे तो शायद हम तोड़ सकते थे, लेकिन ये दीवार जो तुमने खड़ी की है, तुम्हारे अभिमान की दीवार, इसका तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। आप भूल रहे हैं छोटे सरकार, ये अभिमान है, स्वाभिमान है, गरीब का अकेला धन। ये धन भी मुझ गरीब के पास न होता तो मैं शायद जी न सकती। दूसरों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बड़े सरकार अगर मुझ पर चाबुकें भी बरसा दे तो उनकी चाबुकों की ऐसी चोट न लगती जैसी चोट आपने मुझे पहुंचाई। शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। मैं दूसरों के लगाए हुए इल्जाम भूल सकती हूँ, दी हुई सजाएं भूल सकती हूँ, लेकिन आपका शक नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं आपसे एक बात कहूँ छोटी सरकार? हाँ जरूर कहो, जरूर। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
आप यहाँ से चले जाइए। आप पास होंगे तो आपका लगाया हुआ शक मुझे मार डालेगा। आप दूर होंगे तो मेरे जीने के लिए आपके प्यार के सहारे काफी हैं। तुमने ये भी सोचा यहाँ से जाकर हम कौन से सहारे ढूंढेंगे? फिर वही शराब की पुरानी बोतलें, रातों को वही गंदी महफिलों जिनमें प्यार नहीं है, सिर्फ जिस्म खरीदे जाते हैं। आप अब उन महफिलों में वापस नहीं जा सकते, ना ही शराब की बोतलों के सहारे ढूंढ सकते। आप मुझे वचन दे चुके हैं और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, उससे दूर नहीं। तो हमें तुमसे हमेशा दूर ही रहना होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? आखिरी फैसला नहीं, आखिरी विनती है। तुम्हारी ये विनती हमारे भाई के चाबुक से कम जालिम नहीं है। लेकिन एक दिन जिसे तुम अपना स्वाभिमान कहती हो, अपना धन मानती हो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम उतना ही बड़ा पाप कर रही हो जितना बड़ा पाप हमारे घर वालों ने किया तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर। एक दिन हमने इन बोतलों को तोड़ दिया था, शायद इन बोतलों ने हमें बद्दुआ दी, इसलिए हमारा दिल भी टूट गया। दिल भी टूट गया। छोटे सरकार, पूरन काका, पूरन काका तुम ही बताओ। हम रुपए से शराब की बोतलें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल कौन से बाजार में खरीदने जाए? इसलिए आज हम शराब से अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सरकार। पूरन काका, छोटे सरकार, लता, तुम क्या समझती हम तुम्हारे सामने पी नहीं सकते? पिएंगे हम, उस वक्त तक पिएंगे जब तक तुम नशे के धुओं में खो नहीं जाती। और जानती हो, नशे के धुओं में सब कुछ खो जाता है। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है। हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता लता, ये शराब नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दर्द है। हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता, तुम जीत गई, हम हार गए। ना अब हम पी सकते हैं, ना जी सकते हैं। लेकिन एक बात हमें बता दो, तुम्हें हमसे प्यार है, ये सच है ना? बोलो लता, ये सच है कि नहीं? बोलो लता, बोलो लता। अपने आप को संभालिए, आप तो मर्द हैं। आप माँ के पास बैठिए, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ दवा लाने। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़ दें। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, डेयरी डॉक्टर। ओह, लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें, शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन बरसों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। यू सी दैट? सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह है, आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पी लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। नो थैंक यू डॉक्टर। Ha ha ha!
पी सके तो उसे भूल सकते हैं मगर पिए कैसे हैं? उसे भूल सके तो पी सकते हैं मगर भूले शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, दाढ़ी भी ज्यादा है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आईया तू ही तू, किसी का भी लिया नाम तो आईया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू, ये कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, पीने की कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, ये ना सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक ओ मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे। किसका खून है ये? खून नहीं, शराब है, दवा समझ के पी लीजिए। किसके लिए? अपने लिए। हम किसके लिए हैं? जिंदगी के लिए,
आपको जीना है अपने लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो आपको भगवान मानते हैं, उन मजदूरों की खातिर जिनकी जिंदगी का सहारा और कोई नहीं, अपनी जागीर के लिए, अपने खानदान के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है ना करण? छोटे सरकार, हम करण से फिर छोटे सरकार हो गए। हाँ, हमारा नाम तुम्हारे दिल से निकला और तुम्हारे गले में अटक गया। तुम कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? ये किसान, ये मजदूर तुम्हारे तो लाए हुए हमारी जिंदगी में। हम जानते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्थान हमारे जीवन में क्या है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप पी लीजिए। पागल हो, जब हम तुम्हारी तस्वीर के सामने नहीं पी सके तो तुम्हारे सामने कैसे पी सकते हैं? हम इतने कमजोर नहीं है। कभी तुम्हारे कहने पे शराब छोड़ देंगे, कभी तुम्हारे कहने पे शराब पी लेंगे। मिटते हुए शरीर में पहाड़ जैसा दिल है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। आप चाहें भी तो आप बुजदिल और कायर नहीं बन सकते। कायर? कायरी और बहादुरी तुम क्या जानो लता? ये तो हमसे पूछो जिनकी कायरी से बरसों दोस्ती रही है और बहादुरी से नई नई मुलाकात हुई है। कायर तो सिर्फ जीने के लिए जीता है, लेकिन जिनके पास दिल होता है ना, वो प्यार के लिए जीते भी हैं और प्यार के लिए मरते भी हैं। आप सब्र कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप डॉक्टर की सलाह मानिए और पी लीजिए। हम एक सवाल करें, जवाब मिलेगा? तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों है? हम बताते हैं तुम्हें, तुमने हमसे प्यार किया, हमें अपने दिल में जगह दी, इसीलिए तो सोचा तुमने तुम्हारी भी कोई जगह हमारी जिंदगी में, तुम्हारा भी कोई हक है हम पर, इनकार कर सकती हो इससे? जैसे तुम जवाब नहीं दे सकती, हम शराब नहीं पी सकते। लता, बात इतनी है, तुम ना नहीं कह सकती, हम हाँ नहीं कह सकते। छोटे सरकार, आप इसी तरह। लता, इंसान का जीवन एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ पैदा होता है, उगता है, बड़ा होता है, जब आसमानों को छूने लगता है गिर जाता है, मर जाता है। यह समझ लो हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह है, बस इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब बस कीजिए। जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। हमारी आखिरी सांस तक हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। सुना है करण के बारे में कुछ खत आया है शहर से? पूरन ने लिखा है, उसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। ओ, हम तो आपके आंसू देखकर ये समझे थे शहर से कोई दूसरी खबर आई है। शमशेर, तुम इंसान नहीं जानवर हो। आपका बेटा झूठ है। पाको मत, करण की भलाई की ओट लेकर तुम्हारे मन में जो उल्टा सीधा आया तुम करते रहे। उसकी जिंदगी था और तुमने उसके प्यार को एक जल्दी चिता बना दिया। चीखो नहीं रानी माँ, और अपने आंसू पहुंच दो। करण इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ना शराब के लिए और ना प्यार के लिए। तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं माँ, तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है? छोटे सरकार,
जाएगी, जानते हैं। तुम्हारी दीदी में बड़ा घमंड है, बड़ा गरूर है, बड़ा अभिमान है। इसी अभिमान के तो हम कायल हैं, वरना लता, एक बार सिर्फ हमें कह दो, तुम कभी हमारी नहीं हुई, कभी हमें अपना नहीं समझा। छोटे सरकार, पूरन काका, तुम नहीं समझते। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि हम उससे प्यार करते हैं। सिर्फ एक बार वो हमसे कह दे कि वो हमसे प्यार नहीं करती तो हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे। अगर जिएंगे तो किसके लिए? किसके लिए? और क्या कहा उन्होंने? तुम नहीं समझते पूरन काका, वो एक बार, सिर्फ एक बार कह दे वो हमसे प्यार नहीं करती, फिर हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे। अच्छी बात है, उनके जीने के लिए यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। माँ, भैया से कह दो मुझे वो रिश्ता मंजूर है। ये आन के आन में तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो, फौरन हाँ कह दो। इस ब्याह से कई लोगों का भला होगा माँ, कई लोगों का भला होगा। मैंने तो सोचा था मैं तुम दोनों को अपने साथ घर ले चलूंगी, मगर वो तो अब हो नहीं सकता। बेटा, तुम ही मेरे साथ घर चले चलो ना। जो होना था वो तो हो गया, जो बाकी है उसे भी हो जाने दो। छोटे सरकार, ब्याह के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं ही नहीं रहूंगी, फिर मुझे दिए हुए उन वादों की कैद क्यों? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे एक मुर्दा वचन पे कुर्बान न कीजिए। लता, कब हम आए? जी, दीदी, मुहूर्त की शादी जा रही है तो लड़को जल्दी बुलाइए। शीला, दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। लता कहाँ है? अभी अभी लक्ष्मी साहब उधर गई। Thank you.
कुछ ही देर बाद तुम हमसे बहुत दूर हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दे, तुम्हारी मांग में संदूर चांद और सितारों की तरह चमके। ये आंसू नहीं है पगली, एक बुझते हुए दिल की प्रार्थना है, एक जाते हुए मुसाफिर की आखिरी दुआ है। तुम क्यों परेशान होती हो? परेशानी की बात तो हमारे लिए है, इस बेशरम को हम अपने घर की बहू कैसे बनाएं? मैं कह रहा हूँ श्रीमान के हमारा बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं, आपकी बेटी का चाहने वाला बाहर खड़ा है, अपनी बेटी से कहिए कि उसे बेदी पर लाकर बिठाए और वरमाला उसी के गले में पहनाए। आप ये कैसे कैसे शब्द मुंह से निकाल? मैं तुम्हारी बेटी की करतूतें अपनी आंखों से देख कर आई। इधर बेदी पर पुरोहित बुला रहा था और बाहर वो अपने प्रेमी के साथ मुलाकातें कर रही थी। अरे इसके चाहने वाले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। मैं कहता हूँ श्रीमान, औलाद को जन्म देने से ही आदमी बाप नहीं बन जाता है, औलाद के चाल चलन का भी ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो। अजी तुम चुप भी रहो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहिए। चलो 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 तो अच्छा होता कि तुम जहर खा के मर जाती, हमने हजार दुख सहे तुम्हारे, एक सुख भी देख लेते तो क्या बुरा होता। तुमने ठीक कहा भैया, लेकिन जिसने खुद सुख नहीं देखा वो दूसरों का सुखी क्या करेगी। मुझे अब मालूम हुआ, बुझे हुए दिए से दूसरा दिया जलाए नहीं जा सकता। बादल खेतों पर बसते तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मगर चट्टानों पर बसते तो घास का एक दिन का पैदा नहीं होता। दोष सारा मेरा है, मैंने अपने आप को चट्टान बना लिया था। प्यार जैसे मोती के लिए नहीं, अहंकार जैसी मिट्टी के लिए, जिसे मैंने स्वाभिमान जैसा ऊंचा नाम दे रखा था। लेकिन ये बात मैं समझी तो कब समझी, जब इतनी देर हो चुकी है। ना ना लता ना, सुहा की कोई भी चीज मत उतारना। ये आप क्या कह रही हैं? Oh,
महल ये वीरानों की तरह, उजड़ा महल ये वीरानों की तरह, किसमें फिरूं मैं दीवानों की तरह, अनजानों मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आदमी को आगे अकेला जाना पड़ता है। तुम्हें अपने रास्ते पर अकेला जाना होगा, हमें अपने रास्ते पर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हमारा पीछा मत करो। तुमने जिंदगी को दूल्हा बनाया, हम मौत को दूल्हा बनाने जा रहे हैं, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, ना जाओ, ना जाओ, और देखो मेरा तमाशा। अभी मालूम होगा, अभी तुम्हें मालूम होगा, जिस शान से हम जीते थे उसी शान से हम मर भी सकते हैं। लता, जिन्हें शीशे चोरने नहीं आते उन्हें शीशे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया, तुम हमारी जिंदगी में दखल मत दो। छोड़ दो हमें यहाँ अकेला, चले जाओ अपने दूल्हा के पास। मैं अपने दूल्हा के पास ही तो आई हूँ, अपना घमंड छोड़कर, गरूर छोड़कर, अभिमान छोड़कर, स्वाभिमान छोड़कर। तुम प्रेम नगर में सिर्फ जिंदगी दुल्हन हो सकती है करण, मौत नहीं। लता, तुम हमारी
मेरी दुल्हन मेरी जिंदगी हो। जाने मन जाने जा अपना